हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज टैक्स फंक्शन, जिसमें हम अपर लोअर और प्रॉपर का यूज जानेंगे। इस डेटा में जो नेम है वो नेम अपर लोअर और प्रॉपर तीनों केस में यूज किया हुआ है। अगर मुझे इसे अपर केस में लेके आना है तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करूँगी, इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर जो फर्स्ट सेल है उसे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके इसे एंटर प्रेस किया, तो जो अनमोल शर्मा है वो कैपिटल ऑल लेटर कैपिटल में आ चुका है। तो अपर केस में हमारे पास जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट के जितने भी लेटर होते हैं सारे ही कैपिटल में होते हैं, तो इसे मैं ड्रैग कर रही हूँ, ये सब में अप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है लोअर केस, उसके लिए यहाँ पर मैं पूरी रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेल में क्लिक किया और इज इक्वल टू लोअर ब्रैकेट स्टार्ट, तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ अनमोल शर्मा फर्स्ट सेल में, और मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, कंट्रोल एंटर बटन मैंने प्रेस किया, तो ये जो मेरी रेंज थी, जो जितनी रेंज मैंने सेलेक्ट की थी सारे में, लोअर केस का फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। लोअर केस में हमारे पास जितने भी लेटर होते हैं सारे ही लेटर स्मॉल में होते हैं। यहाँ पर मैं प्रॉपर केस यूज़ कर रही हूँ, तो उसके लिए इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट, और फर्स्ट सेल मैंने सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज किया, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर प्रॉपर केस अप्लाई हो चुका है। तो प्रॉपर केस में हमारे पास जो फर्स्ट लेटर आता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, स्पेस के बाद जो दूसरा लेटर है उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, जैसे कि यहाँ पर अनमोल शर्मा, तो अनमोल जो नेम है फर्स्ट लेटर कैपिटल है, और यहाँ पर शर्मा उसकी उसका जो सरनेम है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल है। मैं यहाँ पर हैंड साइड जो प्लस का साइन आ रहा है इस पर डबल क्लिक कर रही हूँ, तो ये जो मेरी रेंज है ये पूरी रेंज पे अप्लाई हो जाएगा। तो इससे आपने देखा कि यहाँ पर हमने अपर लोअर और प्रॉपर का यूज़ तो किया ही है, साथ में इन फॉर्मूलास को हमने तीन अलग अलग मेथड से अप्लाई किया है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम टैग फंक्शन से रिलेटेड और फंक्शन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।